आई मेकअप हो गया है, ब्लशर वगैरह लग रहा है, हेयर स्टाइल सगन मिल गया, गाली ली बाबा, ध्यान रख ले काम आएगा। Hey guys, welcome back to my channel Snehasis Devan. I'm back with a new video. So आज है पार्टी वाला दिन, कशिश का बर्थडे, तो कशिश तो गई है भाई पार्लर रेडी होने के लिए। वो तो मढ़िया सलोन सलून से रेडी होगी, उसको मैं बोल देती हूँ एक दो क्लिप्स वगैरह ले लेगी अपनी। इतने ये देखो, एक ये सोंधड़ और एक मैं सोंधड़। भाई हम ना पिछले एक डेढ़ घंटे से गप्पे मार रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि तैयार हो जाए। और अब जब कशिश आएगी तो चिल्लाएगी, चीखे मारेगी कि तुम लोगों से रेडी नहीं हुआ गया, ये है वो है। भाई वो बहुत डटेगी, उसको केक भी उठाना है, मुझे दांत भी लगवाने जाना है, भाई बहुत चीजें हैं। तो जल्दी रेडी हो जा। गाइस मेरे को ना बहुत लोग कमेंट कर रहे हो, मैं पहले तो एक बार क्लियर कर देती हूँ कि मेरा रूट कैनाल चल रहा है, तो जो एक दांत है ना मेरा, वो दांत प्रॉपरली ना टैग तोड़ रही थी मैं ज़ारा का, वो टूट गया था उसके साथ में ही। तो जब से पूरा दांत निकला है ना, उसके बाद मेरा प्रॉपर रूट कैनाल हुआ, उसको 3 से 4 महीने हील होने में लग रहे थे, तो वो हील होने वाला है, बस नेक्स्ट महीने हील हो जाएगा, फिर एक परमानेंट दांत जो है ना फिक्स कर दिया जाएगा, जो मंगवा रखा है ऑलरेडी। लेकिन यार उससे पहले जो लग रहा है ना, वो टेम्परेरी टीथ लग रहे हैं, और उसकी वजह से ना वो चिपकते हैं, लेकिन वो कुछ टाइम बाद निकल जाते हैं गीले होने की वजह से, तो वो इसलिए। लेकिन वही बात है ना कि अब मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को, बहुत बड़ा प्रोसीजर है, इसलिए मैं इसको ज्यादा कुछ बोलती नहीं, उस बारे में कमेंट नहीं करती, बट मेरा प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है टीथ का ऑलरेडी। और तू क्या हूँ कर रहे, जल्दी जा, इसकी लंबी टिप्पणी खत्म हो गई है, तो अब हम रेडी हो जाए। हाँ तो मैं तो नहा चुकी हूँ, ये नहाई नहीं है, तो मैं जल्दी से ना वो करा लेती हूँ। मैं क्या करा रही हूँ, तो आईब्रो पॉलिश कर रही हूँ, आंटी आई हुई है। तो गाइस अभी डॉक्टर के पास गए थे, और डॉक्टर के पास से आ गए हैं, और दांत लग चुका है मेरा। फटाफट ऊपर चलते हैं क्योंकि 9 बज गई और 9 बजे तो पार्टी शुरू थी, तो अभी तक हम बहुत लेट हैं। कशिश भी शुक्र अभी तक नहीं आया, कोई नहीं आया अभी तक, और हम घर घर वाले जा रहे हैं, तो कोई फ्रेंड्स वगैरह तो है नहीं, तो इतना इशू नहीं है क्योंकि थोड़ा बहुत लेट भी हो जाए, लेकिन अब फटाफट रेडी होना, जल्दी आ जा जा। तो गाइस घर आते ही 5 मिनट भी नहीं हुए और ऑलमोस्ट मेकअप हो चुका है, बेस कर लिया रेडी, अब बस ब्लशर लाइनर से इसको टचअप देंगे एंड फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे रीमा का भी मेकअप हो चुका है भाई, ऑलमोस्ट होने वाला ना, दिखा अबे बेस तो लगा रही है, और क्या कर रही है। मम्मी भी देखो यहाँ पे, मम्मी को मैंने कल ही दिलवाया था, और ये बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी मम्मी है, सुंदर लग रहे हो बिल्कुल, हाँ एकदम सुंदर सुंदर देखो, हाँ अच्छा लग रहा है, ये सुंदर है, बस नीचे चेंज तो करो, चप्पले पहन के जाओगे तो काफ्तान डाल लो, लेकिन वो हल्का खुला, उसको टाइट कराना पड़ेगा आपको, हाँ तो वो डालना है, वो डाल लो चाहे फिर वो कोई और फंक्शन में डाल। तो गाइस जल्दी से रेडी हो जाते हैं, और यहाँ देखो मेकअप सारा खिलार दिया है, रीमा का भी ऑलमोस्ट मेकअप हो गया, दिखा शक्ल दिखा, हाँ पाउड बना जैसे बना रही थी, मैंने लाइनर लगाया, पाउड कैसे बना रही थी, मैंने लगाया पाउड तो भाई सुंदर हो गई है पहले से, सच बात है, फटाफट रेडी हो जाए, कशिश आएगी ना बहुत मारेगी बहन, मैं 5 मिनट में तैयार, बस कपड़े जल्दी क्या पहनने हैं। तो गाइस अब मेरी स्माइल भी बिल्कुल पूरी हो चुकी है, क्योंकि भाई जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा, और वो इम्पोर्टेंट भी था, इसलिए मैम थोड़ा सा लेट हो गए, बट अब फटाफट से रेडी होते हैं और ड्रेस पहन दे। गाइस मेरा मेकअप चालू हो गया, ऑलमोस्ट हो भी गया है, आई मेकअप हो गया है, ब्लशर वगैरह लग रहा है, हेयर स्टाइल स्टार्ट हो गया है, और मैं अब बोल रहा हूँ लेट पहुंच जाता, तो दीदी थोड़ा जल्दी कर दो प्लीज, यही हमारी मेकअप आर्टिस्ट है वैसे, मेरी तो परमानेंट यही है, और ये हेयर स्टाइलिश परमानेंट है मेरी, और एक पीछे जो कैमरे के है वो एंटरटेनमेंट है। तो ये है मेरा फाइनल लुक, मैं बहुत ही डॉल सी लग रही हूँ, बहुत प्यारा से दीदी ने मेरा मेकअप और हेयर किया है, इतना पसंद आया मेरे को, अब आप लोग कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है, बस हील बाकी है, हील मैं घर पे भूल रही हूँ, घर जा रही हूँ, और स्नेहा और रीमा अभी तक रेडी नहीं हुए हैं, स्नेहा चली गई है डेंटिस्ट पे, तो मम्मी बाकी रेडी है, बाकी हम फटाफट घर जाते हैं और सबको देखते हैं कौन रेडी हुए कौन नहीं, और निकलते हैं पार्टी के लिए। निकल चुकी हूँ अब मैंने बहुत सारी कैब्स बुक करी, मतलब 4 से 5 बार ओला पे, किसी को भी, कोई ऐप पे, कभी कोई ऐप पे, कितनी ऐप मैंने बुक करी, बट कोई आने कोई रेडी नहीं हो रही, आगे कैंसिल करी जा रही है, तो मैंने ऑटो बुक किया हार के, और ऑटो आ गया, और गुरप्रीत दीदी ने मेरा हेयर और मेकअप ना करा, वो उन्होंने मुझे इतना बढ़िया सॉल्यूशन छतरी दे दिया, और कहा ऐसे खोल के रखना ना मेकअप पे लगे ना हेयर पे कुछ लगे, कुछ खराब ना हो, आपका बर्थडे अच्छे से निकल जाए, तो थैंक यू गुरप्रीत दीदी इतना प्यारा मेकअप करने के लिए, इतनी बढ़िया चीज़ से लगे। तो घर चलते हैं, स्नेहा और रीमा का भी फोन आ गया, वो भी रेडी है, तो बस निकलते हैं। इस हमारी ब्यूटीफुल सी डॉल हो चुकी है रेडी, और देखो घर पे आ गई, तूने व्लॉग लिया, मेरे को दे दे सारी क्लिप्स, लिया
फुल लुक भी लिया, मिनी व्लॉग भी लिया और एक वीडियो बनाई है जिसमें बड़ा मजा आएगा देखने में मैं कैसे वापस आया। अच्छा ठीक है, तो जल फिर फटाफट से, अब तू रेडी है ना, अपना व्लॉग दे दे, इसके आगे अटैच कर रही हूँ। तो भाई जितना मर्जी कर लो लेकिन हमेशा लेट होते ही होते हैं, गेस्ट पहुंचना शुरू हो गए हैं लेकिन हम नहीं पहुंचे, कशिश ने बहुत लेट करा आज पहुंचने में। तू कब की गई हुई है, तू इतना लेट कैसे आई? बहन मेरे को मेकअप में एक घंटा लगा है, हेयर स्टाइल में टाइम लगा है, फिर शूट करने में भी डेढ़ घंटा लगाया होगा। शूट में ही लगा है? हाँ झूठ बोलती है। तो गाइस सब लेट हो चुके, जल्दी चलते हैं। तो गाइस एज यूजुअल रीमा और मम्मी हमेशा आखिरी में आते हैं भाई, हमेशा कितनी कोशिश कर लो। तू जिस तरह की गाड़ी निकाल, हम बस आ गए और अभी तक नहीं आया, 15 मिनट हो गए गाड़ी निकाले हुए। एंड मोमेंट पे आ जाते हर काम और फिर ना सब जगह इसी चक्कर में लेट होते हैं हमेशा। और भाई रीमा की तो ये बहुत पुरानी आदत है, अभी से नहीं, बहुत पुरानी, बचपन से करती है ये हरकत है ये वाली कि हमेशा लेट करती है। अभी भी बहस करे, बैठ जल्दी, अबे कहीं मर्जी बैठ जा उस साइड से। एक तो आ गई बट अभी एक रह गई, माँ बेटी दोनों सेम है, दोनों हम दोनों बेटियाँ बिल्कुल अलग है। कशिश और मैं हम दोनों हमेशा रेडियो के पोते बैठे होते हैं। हाँ रेडियो के बैठे रहते हैं, ये माँ बेटी दोनों सेम है। सही बात है, मैं अपनी माँ की बेटी हूँ। हाँ, तो हम भी है, तुम नहीं हो, तुम एक्स्ट्रा हो दोनों हमारे। ठीक है एक्स्ट्रा ही सही, हम एक्स्ट्रा ही, तभी तो हम समझदार है तेरे से, परफेक्ट और समझदार निकले। पहुंच गए हैं घर और रात के बज गए डेढ़ बजे हम लोग घर पहुंचे। और भाई मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, वहाँ व्लॉग इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि वहाँ ऑलरेडी इतना ज्यादा म्यूजिक होता है, लेकिन देखो भाई इतना सुंदर केक भेजा ना भाई, कितना सुंदर केक भेजा था ब्रदर्स बेकरी ने भाई, खतरनाक। और इसके अंदर से डॉलर कितने बढ़िया निकल रहे थे ना गुनी भाई, बहुत खतरनाक। पता ये देखो अभी भी है ये, वही अब निकले जा रहे हैं, पहले भी निकल रहे थे। एक मिनट ये देख, नहीं वो पता क्या होता है, कभी कभी मशीन में दिक्कत आती है। देखो नहीं दिक्कत ऐसे अभी नहीं आती, मशीन में दिक्कत नहीं आती, कोई अड़ता है ना तो अड़ रहा था या तो, हाँ इस वजह से भाई। अब चल रहे देख पूरी मशीन, बट वहाँ पे भी चल रही थी पूरी, पूरे निकले वहाँ मेरी प्रॉपर भाई, मजा आया था, बहुत बढ़िया था ये केक, वो तो केक टेस्टी भी बहुत लगा भाई। अपने पास भी ऐसी मशीन होनी चाहिए जिससे दो नोट निकले ना, हमारे ओरिजिनल निकले लेकिन डॉलर निकले गाइस। अगर ऐसी मशीन मुझे मिल गई ना, मैं जल्दी से जल्दी अपना घर ले लूंगी दुनिया का सबसे। नहीं यार मुझे उतना अमीर नहीं बनना, मुझे बस एक छोटा सा घर चाहिए, मुझे ना वो बहुत बड़ा अमीर नहीं बनना कि दिक्कत हो। अपने ना अपने आप को सेटिस्फाइड होना चाहिए, बात अमीरी की नहीं है, जिसके पास नोटों की मशीन है वो तो जब मर्जी टैप करो धड़ाम पैसा बाहर, खाने जाओ तो बंदा मेहनत क्यों नहीं करेगा फिर। तो वही तो बात है, हर एक के पास मशीन आने लग गई तो हो गया काम। चल केक उठा ले, बैंड डब्बे में लेके चल, स्वाद है भाई, बहुत टेस्टी केक। थैंक यू सो मच ब्रदर्स बेकरी फॉर दिस अमेजिंग केक, मुझे मेरे बर्थडे पे जरूर बनाऊंगी मैं, कुछ करूँ ना करूँ, मेरे बर्थडे पे ऐसा केक आना चाहिए। ब्रदर्स बेकरी सुन लो, एक बहन का बर्थडे निकल गया, दूसरी का दिसंबर में, केक के लिए रेडी रहना, केक और डेकोरेशन सब करवाऊंगी। बहुत अच्छा भैया का सारा सेटअप, बहुत अच्छा। तो अभी के लिए अंदर चलते हैं। और भाई क्लू भी अच्छा था, खाना कितना टेस्टी था खाना भी, मेरा मेकअप अच्छा लगा है ना, क्लू में खाना वाना सब अच्छा था ना। गाइस मैं सच बता रही हूँ, मैंने ना अभी पेड़ पार्टी करी थी, जो मैंने अभी खुद की करी थी अपनी बर्थडे पार्टी, बट वहाँ की सर्विस इससे फार बेटर थी क्लू की सर्विस, और मतलब ना मजा आ गया मुझे तो, क्योंकि लेकिन ना पता फर्क होता है गेस्ट का, यहाँ सिर्फ 15 जने भी नहीं थे और वहाँ पे मेरे कितने जने थे, 95 लोग थे और गेस्ट लिस्ट सिर्फ 30-40 की रेडी थी, तो उसके अकॉर्डिंग भी बहुत सारे लोग आ गए थे। और मतलब कि कहते हैं पार्टी में ना पता नहीं लगता, क्योंकि गेस्ट लिस्ट में हर कोई किसी ना किसी के साथ आता है, तो बहुत बहुत बहुत, बहुत सारे लोग आ गए थे उस टाइम पे। और ऑब्वियसली मेरा बर्थडे है तो फिर सब आएंगे ही, क्योंकि सब मुझे इतना प्यार जो करते हैं, तो थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। और कशिश का फाइनली बर्थडे खत्म हो गया, अब इसके पीटने की बारी आ गया, अब तो पिटेगी
बर्थडे खत्म ना कर दो, मैं अच्छा लग रहा हूँ। हाँ तू अच्छा लग रहा है बेलून ड्रेस में, मैंने दिलवाई थी तेरे को याद थी। ड्रेस नया की चॉइस थी, मैं एंड तक कंफ्यूज थी अच्छी लगू ना लगू। अच्छी लग रही है कितनी, लेकिन मेकअप हेयर सब के बाद में बहुत ज्यादा लग रहा हूँ। तो भाई मैंने इसको बोल दिया था कि अच्छी लगेगी तू ले ले, और वही ली इसने। इसको पूछना, इसको तो मजा आ गया, मजा आया। इतने सालों बाद ये मजा ऐसा है जिसमें मैं एक बार नहीं रोया, एक आंसू नहीं टपका मेरा। हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माय सिस्टर्स। तो थैंक यू सो मच टू बोथ द सिस्टर्स, स्पेशली थैंक यू सुनेहा सदेवा जिसने बहुत मेहनत करी है ये पार्टी अरेंज करने के लिए, कपड़ों के लिए। मैं अभी तो कल मेरे को असली परेशान हूँ ना इसके 21 गिफ्ट के लिए। ऐसी परेशान बहन, ये जगह नहीं हो रही, ये ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, तेरे को ये ड्रेस नहीं पसंद आ रही, इससे बात करूँ मैं, इससे ड्रेस लेकर आ, ये कर वो कर, पूरी रात देख रही है, देख रही है। अभी रीमा कहेगी मेरा बर्थडे पे आके रुक जा, मेरा 21 गिफ्ट नहीं आएंगे, मेरे को गिफ्ट 21 नीचे 21 के बराबर पैंतीस साल की डबल करते डबल ट्रिपल। नहीं नहीं गाइस, ये तो अभी रीमा बहुत छोटी है, मैं ओनली सिर्फ गाइस 22 इयर्स ओल्ड, 22 पांच 24 साल की मैं सबसे बड़ी हो गई। हाँ तू सबसे बड़ी हो गई अभी तक, बुड्ढी भी नहीं हो रही। तू चुप रहे, बकवास ना कर। बहन 26 साल की होगी वो, 26 साल की होगी, हल्ले इसको एज ही नहीं पता। देख तू कैसी बहन लेके बैठी है, 26 की होगी, 1997 की है अभी, 26 की है, 26 साल की भी नहीं होगी, मैं 22 साल की होगी। तुम क्या बात करते हो, मेरी एज लगती है कोई देख के। चलो भाई इसको बहुत अच्छा लगा। और कशी अभी पूरी गाड़ी में मुझे ना ऐसे बोल रही थी, थैंक यू बहन, थैंक यू सो मच बहन, थैंक यू, कहती जवाब भी नहीं दे रही। मैंने कहा व्लॉग में जवाब लूंगी तुझसे। थैंक यू गुरु जी बोल पहले, थैंक यू मेरी बहन, गुरु जी को भी बोल, थैंक यू बोल। हाँ मैं सारे भगवानों को मिलने। हाँ 15,000 रुपए भूख के आई है टिकट के, इतने में 15,000 का गिफ्ट दे देती बेवकूफ। मैं नहीं आती, लेकिन मजाक कर रही हूँ। मुझे क्या करनी पड़ेगी, जिसको गिफ्ट देना है बर्थडे का भी दे दिया, गिफ्ट दूंगी जो तू पहन के घूमेगी। मैं क्या कपड़े मत दियो, जूते मत दियो, वो नहीं दे रही, वो मैं दे चुकी हूँ, कुछ अच्छा दूंगी यार। हाँ। जिसके काम की चीज है ना, सही बात है। प्यार होने का शौक सबको होता है, बात की दिक्कत है फिर समझ में आती है। ये देखो बात की दिक्कत है, आई आई अब यही होगी, अब यही होगी। तो गाइस फाइनली अभी कर लिया चेंज, लेकिन यार एक गड़बड़ हो गई है। मुझे ना एक स्टोरी बनानी थी इंस्टाग्राम के लिए, और वो रह गई उससे पहले मेरे दिमाग से निकल गया। मैंने मेकअप हटा दिया, कपड़े चेंज कर दिए, अब मुझे लग रहा है मेरा मेकअप करने का बिल्कुल मन नहीं, और वो स्टोरी मांग रहे हैं। मैं क्या करूँ, मुझे सुबह डालनी भी है, तो मुझे लगता है कि मुझे फटाफट से ना मेकअप तो नहीं, लिपस्टिक लगा के एटलीस्ट ड्रेस चेंज करके फिर से शूट करना पड़ेगा। तो फिलहाल जो भी है, बट ये मेरा जेन्युइनली लोग बोलते हैं ना कि तुम मेकअप दिखाते हो कुछ भी, मैं क्या करूँ भाई, पूरे दिन मेरे घर में यही होता है, क्योंकि करते हैं उसके बाद काम होता है, ये वीडियो वो वीडियो, ये रह गया वो रह गया, ऐसी ऐसी चीजें रहती है पूरे दिन में। और चलो टचवुड पार्टी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई, सबने खूब इंजॉय किया, खाया पिया, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। तो उसकी अगर इंस्टाग्राम रील्स देखनी है तो ऑफकोर्स मेरे चैनल मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोगों को दिख जाएंगी। और साथ में जो है ना, आप लोग अपना खूब सारा प्यार दिखा करो, और मिनी बॉक्स में भी खूब सारा प्यार दिखाना। तो कल मिलते हो एक नए वीडियो के साथ, जिसने अभी तक पेज को फॉलो नहीं किया फॉलो कर लेना। बाय बाय।